किसान के साथ क्या हुआ मुझे बताने की जरूरत नहीं। एक साल तक आंदोलन करना पड़ा, एक साल तक 750 किसानों की जान चली गई, 750 किसानों की जान, जान की कुर्बानी लेने वाली ये सरकार। इन सरकार के दिल में दया का भाव नहीं, आपके प्रति कितनी घृणा होगी, इन सरकार के दिल में आपके प्रति कितनी घृणा होगी, कितनी नफरत होगी, इसका अंदाजा इस बात से आप लगा सकते हो कि सहानुभूति के दो शब्द भी बीजेपी के किसी नेता ने नहीं कहा, कहे कि 750 किसानों के घर उजड़ गए। हमने इनकी मांग तो नहीं मानी, लेकिन हमें दुख है, हम सहानुभूति के दो शब्द कहना चाहते। एक बीजेपी नेता ने नहीं कहा जब किसान आंदोलन चल रहा था। जैसे आपको पता है पिछले 10 साल से हरियाणा से 15 सांसद जाते हैं देश की सबसे बड़ी पंचायत संसद में, 10 लोकसभा के, 5 राज्यसभा के। पिछले 10 साल से मैं अकेला विपक्ष का एक सांसद उस देश की सबसे बड़ी पंचायत में जाता था, 14 बीजेपी के। किसान आंदोलन जब चल रहा था तब भी वो 14 बीजेपी के और सारी देश की बीजेपी। जब उठ के मैं खड़ा हुआ और कहा कि कम से कम बात नहीं मान रहे हमारी, तो सहानुभूति के दो शब्द प्रकट कर दो, ये भी देश के नागरिक हैं, तो सारी देश की बीजेपी के सांसद टूट के पड़े आपके इस बेटे पर। क्या कसूर था मेरा, क्या कसूर था मेरा? मैं ईमानदारी से आपकी आवाज वहां जब खड़ी करने की कोशिश करी, बाकी तो बिक गए, झुक गए बीजेपी के आगे, सारे बिक गए। कोई झुक गया, कोई मिल गया, दुष्यंत चौटाला चला गया, यहां से जो जिताए थे आपने निर्दलीय रंजीत सिंह जी वो चले गए, सारे सपने जाके बीजेपी की सरकार बना दी। बना दी कि नहीं बना दी बीजेपी की सरकार? किसान के कितना नुकसान हुआ। और ये अभय चौटाला, ये तो बीजेपी की ऐसी पक्की टीम है, बीजेपी को जब समर्थन नहीं भी मांगना होता तब भी अगर एक पार्टी भाग के समर्थन देती है तो उसका नाम INLD है, जब बीजेपी को समर्थन नहीं भी चाहिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक जरूर करें, अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।